तो आज हम देखेंगे ट्राइसेप्स मसल। इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइट लेफ्ट मसल बैक साइड की राइट और लेफ्ट मसल है। और कवर द अपर आप द बैक, बैक का कवर आप अपर अपर आप बैक करती हैं, ठीक है, बैक का कवर करती हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन देखते हैं। मीडियल वन थर्ड आप सुपीरियर न्यूक्ल लाइन, फर्स्ट पॉइंट है मीडियल वन थर्ड आप सुपीरियर न्यूक्ल लाइन। जो न्यूक्ल लाइन होती है रेड मार्क से जो देखेंगे, यहाँ पर न्यूक्ल लाइन के वन थर्ड से ओरिजन होती है। न्यूक्ल लाइन के वन थर्ड से ओरिजन होती है। और सी सेवन स्पाइन, जो सी सेवन स्पाइन होता है उससे ओरिजन होती है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है टी वन टी ट्वेल्व स्पाइन से होती है। टी वन से लेकर टू ट्वेल्व तक यहाँ से ओरिजन होती है। रेड रेड दिख रहा है, यहाँ से ओरिजन हो रही है। फिर इंसर्ट देखते हैं। इंसर्ट तीन फाइबर्स होते हैं। अपर फाइबर्स पोस्टीरियर बॉर्डर आप लेटरल वन थर्ड आप क्लेविकल क्लेविकल बोन के क्लेविकल बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर वन थर्ड पे जाके इंसर्ट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो अपर फाइबर है वो लेटरल वन थर्ड पे क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटरल वन थर्ड पे जाके इंसर्ट हो रहा होगा, ठीक है। मीडियल फाइबर जो एक्रोमेन प्रोसेस स्कूपला, जो स्कूपला बोन है उसकी एक्रोमेन प्रोसेस पे जाके मीडियल फाइबर जाके इंसर्ट होगा। एक्रोमेन प्रोसेस है, यहाँ जाके इंसर्ट होगा। लोअर फाइबर से जो है ट्रेंगुलर एरिया मीडियल एंड ऑफ स्पाइन स्कूपला। लोअर फाइबर से ट्रेंगुलर एरिया मीडियल एंड ऑफ स्कूपला, स्कूपला के मीडियल एंड पे जाके ये इंसर्ट होगा। नर्व सप्लाई कौन सी करती है, एसएसए नर्व इसको सप्लाई करती है। जो स्पाइन पार्ट है एसएसए नर्व 11। और इसका एक्शन क्या है, अपर फाइबर्स एक्सटेंड द नेक बोथ साइड, गर्दन को इधर उधर हिलाने डुलाने में अपर फाइबर्स हेल्प करते हैं। मीडियल फाइबर्स रिट्रैक्ट स्कूपला, स्कूपला को एक जगह ही स्टे करके रखती हैं। लोअर फाइबर्स क्या करते हैं, अबडक्शन ऑफ आर्म, आर्म का अबडक्शन करवाता है। और इसकी मसल्स की क्लिनिकल एनाटोमी भी है, जो अगर किसी पेशेंट को शोल्डर जॉइंट मतलब शोल्डर अगर ऊपर नहीं उठ रहा है, कंधा उसका ऊपर नहीं उठ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसे से नर्व डैमेज हुई है जिसके कारण वो अपने कंधे को हिला डुला नहीं पा रहा है। तो ये है ट्राइपीजियस।